सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 36। एंड आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग सही में कुछ खतरनाक चीज करने वाले हैं। तो आज हम वापस से नेदर पे जाने वाले हैं एंड वहां पे अपना टारगेट रहेगा विदर स्केलेटन स्कल हंट करना। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही है माइनक्राफ्ट के अंदर विदर को स्पॉन करने के लिए हमें 3 विदर स्केलेटन स्कल चाहिए होते हैं। एंड फिर गाइस विदर को किल करने पे अपने को नेदर स्टार मिलता है एंड उस नेदर स्टार से हम लोग बीकन बना सकते हैं। तो उसी बीकन को बनाने के लिए आज हम लोग विदर स्केलेटन स्कल हंट पे जाने वाले हैं। आई नो कि ये चीज काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है बट कोई भी चीज जितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है उस पर मजा भी उतना ही आता है। तो नेदर पे जाने से पहले गाइस यहाँ पे हमें कुछ चीजें ठीक ठाक करनी है। बाय द वे गाइस लास्ट एपिसोड के अंदर हमने डायमंड माइनिंग किया था एंड वहां से अपने को 11 डायमंड्स मिले थे। तो उन 11 डायमंड्स में से मैंने एक डायमंड बूट बना लिया है एंड अभी भी अपने पास 7 डायमंड्स बचे हुए हैं। आई नो कि गाइस 7 डायमंड्स काफी कम होते हैं बट बिलीव मी गाइस अपने इस वर्ल्ड के हिसाब से 7 डायमंड्स भी बहुत ज्यादा है। तो अभी तक तो गाइस मैंने इन डायमंड बूट्स को एंचेंट भी नहीं किया है। तो चल यार फटाफट चेक करते हैं इन बूट्स पे हमें कौन सा एंचेंटमेंट मिल रहा है। तो ठीक है यार काफी अच्छा एंचेंटमेंट है। तो यहाँ से अपने को फेदर फॉलिंग 4 मिल रहा है एंड लेवल 30 होने की वजह से यहाँ से अपने को एक एक्स्ट्रा एंचेंटमेंट भी मिल सकता है। तो यहाँ से अपने को फेदर फॉलिंग 4 के साथ ही साथ अनब्रेकिंग 3 भी बिल्कुल ही फ्री मिल चुका है। तो काफी अच्छी बात है अपना एक अनब्रेकिंग 3 का बुक भी बच गया। वैसे कहीं इस बूट में मुझे मेंडिंग भी लगाना था बट अपना जो मेंडिंग का लास्ट बुक था वो तो हमने फॉर्चून 3 पिकेक्स पे लगा दिया है एंड अपना जो मेंडिंग वाला विलेजर था वो भी अनफॉर्चुनेटली ज़ॉम्बीज के हाथों मर चुका है। तो कोई बात नहीं यार बाद में भी हमें कभी ना कभी मेंडिंग का विलेजर तो मिल ही जाएगा। बाय द वे गाइस यहां पे अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम का डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस साइड का भी हो चुका है दूसरे साइड का भी हो चुका है बस थोड़ा सा काम बाकी है वो भी यार मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। एंड ये सब हो जाने के बाद गाइस ये जो अपना अल्टीमेट शॉर्टिंग सिस्टम है ना अभी तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही चेस्ट है बट इसको मैं यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक एक्सपेंड कर दूंगा ताकि यहाँ पे अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान बिल्कुल आराम से आ जाए। तो जो भी यार चलो फटाफट नेदर पे चलते हैं एंड विदर स्केलेटन्स को पेलते हैं। तो यहाँ पे तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बिना ही नेदर पे जाने वाला था। तो बेसिकली अपने पास कोई भी गोल्डन आर्मर नहीं है एंड यहाँ पे एक गोल्डन रूल है गाइस बिना गोल्डन आर्मर के कभी भी नेदर पे नहीं जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे गोल्डन हेलमेट या फिर वेस्ट पहनने का तो कोई फायदा नहीं है तो यहाँ पे मुझे एक गोल्डन बूट बनाना पड़ेगा। अभी एक गोल्डन बूट ही हमें नेदर पे पिगलिन से बचाएगा। तो यहाँ पे हम अपने नेदर फोर्ट्रेस पे आ चुके हैं एंड मैंने अभी के लिए शेडर पैक को भी डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि नेदर के अंदर वैसे ही इतना ज्यादा अंधेरा होता है एंड इसके ऊपर अगर ये शेडर पैक भी रहेगा तो फिर अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग इसी नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन्स को ढूंढ ढूंढ के पेलेंगे। एंड इसी के साथ गाइस इससे पहले जब मैं इस नेदर फोर्ट्रेस में आया था तब मैंने इस फोर्ट्रेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं किया तो आज हम लोग इस फोर्ट्रेस को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। वैसे गाइस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर काफी सारे चेस्ट भी मिलते हैं। इससे पहले गाइस इस फोर्ट्रेस में हमें ऑलरेडी एक चेस्ट मिल चुका है एंड अगर आप लोगों को याद होगा तो उस चेस्ट के अंदर हमें लिटरली डायमंड्स मिले थे। तो अगर स्कल कलेक्ट करते हुए एक दो डायमंड्स भी मिल जाए तो क्या ही बुरी बात है। तो चलो अभी फटाफट स्कल हंटिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस अभी तक मुझे सिर्फ एक ही विदर स्केलेटन दिखा था एंड उसको किल करने पे भी अपने को स्कल नहीं मिला। तो आई नो कि गाइस स्कल ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर विदर स्केलेटन स्कल भी काफी रेयर आइटम होता है। ऐसा नहीं है कि गाइस हर एक विदर स्केलेटन को किल करने पे अपने को स्कल मिलेगा ही मिलेगा। स्कल मिलने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 2.5% होते हैं यानी कि अगर हम लोग टोटल 100 विदर स्केलेटन्स को किल करें तो ऑन एन एवरेज हमें ओनली 2.5 स्कल मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सिर्फ 3 स्कल के लिए भी हमें बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को किल करने पड़ेंगे बट कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस हम इन विदर स्केलेटन्स को बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के पेलेंगे। तो यहाँ पर मुझे वापस एक स्केलेटन मिल चुका है एंड सेम है गाइस इन स्केलेटन्स को मारने के लिए अपने को थोड़ा भी एफोर्ट नहीं लगाना पड़ा। पहले तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अपने को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरली स्माइट 5 शॉट के सिर्फ एक ही हिट से ये स्केलेटन्स किल हो रहे हैं। वैसे गाइस यहाँ पे अपने को वापस से कुछ नेदर वर्ड्स मिल चुके हैं। फिलहाल के लिए अपने को नेदर वर्ड्स की कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको कलेक्ट करके रखूंगा। ओवर वर्ल्ड में जाने के बाद हम इन नेदर वर्ड्स की फार्मिंग करेंगे जिससे अगर अपने को और ज्यादा नेदर वर्ड्स मिलेंगे एंड फिर ऑब्वियसली उनसे ट्रेड करके हम एमरल्ड्स लेंगे। तो चलो अभी फटाफट कुछ विदर स्केलेटन्स को किल करते हैं एंड देखते हैं कि अपने को कितने स्कल्स मिलते हैं।
तो यहाँ पर कुछ सारे स्केलेटन्स को किल करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुका है। तो इस वाले चेस्ट के अंदर तो इतनी कुछ अच्छी चीजें नहीं है, सिर्फ 3 गोल्डन इनगट्स एंड 1 गोल्डन वेस्ट है। मैं तो यार डायमंड का सपना देख रहा था, बट ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे वापस से एक और चेस्ट मिल चुका है। आई होप कि गाइस इससे अपने को कुछ अच्छी चीजें मिले। तो नहीं यार, अपना लग इतना अच्छा था, यहाँ से भी अपने को वही बेकार की चीजें मिली। तो यहाँ पे हम विद द स्केलेटन्स को किल कर ही रहे थे एंड अपने को वापस से एक और चेस्ट मिल चुका है एंड इस वाले चेस्ट से फाइनली अपने को एक गोल्डन हॉर्स आर्मर मिल चुका है। तो ये चीज थोड़ा काम पे आएगा क्योंकि हॉर्स आर्मर को हम लोग क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी गोल्डन आर्मर होने की वजह से इसका इतना ज्यादा कोई फायदा भी नहीं है। तो यहीं पे एक और चेस्ट भी था एंड इस वाले चेस्ट के अंदर भी गोल्डन हॉर्स आर्मर ही है। तो पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट वालों को अपने से क्या दिक्कत है, अपने को लिटरली एक भी चेस्ट के अंदर डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस यार काफी सारे विदर स्केलेटन्स को किल करने के बाद एंड बहुत सारे चेस्ट लूटने के बाद भी अपने को एक भी स्कल मिला नहीं है, बट इतना घूमने के बाद अपने को एटलीस्ट एक अच्छी चीज मिली है जो कि है मैग्मा क्रीम। काफी टाइम से मैं मैग्मा क्यूब्स को भी मार रहा था एंड फाइनली मुझे एक मैग्मा क्रीम मिल चुका है। तो अभी हम पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस को भी बना सकते हैं। तो अभी तक तो गाइस मैंने एटलीस्ट 100-150 विदर स्केलेटन्स को मार ही दिए होंगे। अगर 100-150 नहीं भी होता तो भी कम से कम 70 या 80 किल्स तो डेफिनेटली होंगे, बट अभी तक अपने को एक भी विदर स्कल मिला नहीं है। तो जो भी हो गाइस, हम भी हार नहीं मानने वाले, जब तक अपने को स्कल नहीं मिलेगा हम भी इन्हें पेलते रहेंगे। ओपी गाइस, तो अभी तक तो अपने को एक भी स्कल्स नहीं मिल रहे थे एंड यहाँ पे हमने सिर्फ 3 स्केलेटन किल किए एंड इन्हीं में से अपने को 2 स्कल्स मिल चुके हैं। इसके बाद भी मैंने यहाँ पे काफी सारे और भी स्केलेटन को किल किए, बट नहीं गाइस आज का कोटा बस इतना ही था एंड अभी अपने पास काफी सारा सामान भी है तो बेकार में मैं रिस्क भी नहीं लेने वाला। तो जो भी हो गाइस, एटलीस्ट हम सही सलामत 2 विदर स्कल्स लेके घर पे तो आ चुके हैं। तो अभी अपने पास जो भी सामान है इनको रखने के बाद मैं वापस एक बार नेदर पे जाऊंगा एंड मैं एक और विदर स्कल ढूंढने वाला हूँ ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड पे विदर को किल कर पाए। तो आज तो यार नेदर में हमने बिल्कुल तबाही मचा दी। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम विदर को किल कर पाते हैं कि नहीं। बाय द वे गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना आपको क्या लगता है, हम विदर को किल कर पाएंगे कि नहीं। एंड एक और चीज गाइस, मैंने नोटिस किया कि आप में से काफी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। हर एक वीडियो के अंदर कमेंट्स डेफिनेटली करना। वीडियो अच्छा लगे खराब लगे जो भी हो कमेंट्स में जरूर से बताना। आप सभी के कमेंट्स को पढ़ने के बाद यार मैं वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। तो बस यही बात थी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो। इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।